सेल्फी निकालना है। एक मिनट बाबा कौंडा थोड़ा चल के आएगी तो अच्छा लगेगा। हाँ तो पीछे से हाँ आई look here sir everybody here sir thoda ac rakhenge to dikhega ha yes 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 ha yes 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 thoda bhai hum par here दुकान है भाई आराम से कर सर आगे से करिए ना सर तो दिखेगा थोड़ा सर आगे आ जाइए ना यहाँ आ जाइए ना यहाँ से फेस दिखेगा जी हाँ फेस कवर नहीं हो रहा है सर फेस कवर हो रहा है सर 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 हाँ मैम 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 लुक किया लुक किया मैम निकिता जी निकिता जी निकिता लुक किया निकिता मैम थोड़ा नीचे से डालिए नीचे हाँ यस 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 भाई नीचे उठ जा यार रेड़ा है क्या थोड़ा यस आइए ओके अरे प्रफ्रिंदर ठीक है ना हमारा अम्मा गेट इन
मैं किडनैप हो प्लीज। नहीं तू बहुत खेल रहा है, पता नहीं तुम मेरे से क्या किसने लड़का है। अरे यार बुलाया कि था दादा मत बोलना, दादा बोल मत। हां पल्लवी जी सुजिया थैंक यू। डन डन रीसाइकल कर अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप यहां पर आए हैं। थैंक यू। तो क्या फीलिंग है एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे आपको? थैंक यू। इनिशिएटिव बोलेंगे ये बहुत ही अच्छा, हमारे सबके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जितना भी इस पिछले दिनों नुकसान हुआ है बारिश में और तूफ़ान में, जितना भी नुकसान हुआ है हम पूरी उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि सब कह रहे हैं कि हाँ ये सिटीज़न है हमारे, तो इनके टूटने से, इनके बिखरने से हमें ज़रूर तकलीफ़ हुई है, और वो तकलीफ़ को हम थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली इट इज़ विश्वास मोटे जी इनिशिएटिव। विश्वास मोटे जी ने ये थॉट नहीं लाया होता और इसको आगे नहीं लाया होता तो आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस कुड हैव डन मच। शानन आई हैव जस्ट जॉइंड हिम इन एंड ही इज़ अ ग्रेट मोटिवेटर। मैराथन में भागने वाले पहले पर्सन हैं जो साथ में टीम भी भगाते हैं। And I'm very proud. Matlab, he is very fitness conscious. He believes in fitness. And it's not just that. He actually has helped restore the green. झाड़ टूट जाते हैं हम लोग ब्लेम करते हैं सिविक म्यूनसिपालिटी को, बोलते हैं यार BMC की वजह से प्रॉब्लम हुआ, पर हम कुछ करते नहीं हैं इस बारे में। इन्होंने सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व किया, इन्होंने पीपल हु मैटर को भी इन्वॉल्व किया, और जब सब साथ में आते हैं तो एक्चुअली झाड़ यहाँ पर उगते हैं और एक फ़र्क पड़ता है। आई फील वेरी हैप्पी वेन अ लेडी हु हैज़ अ स्मॉल बेबी इन हर हैंड इज एक्चुअली कमिंग फोर्थ एंड मेकिंग अ फ्यूचर फॉर हर चाइल्ड टू बी अ ट्री गार्डियन। आई हैव हैड एक्टर्स लाइक रणवीर शौरी जिनका बेटा हरुण रोज जाता है अपने साइकिल में हेलमेट पहनकर देखने के लिए कि उसकी झाड़ ठीक है कि नहीं। सो उनका बेटा अद्वैत मोटे भी ट्री अडॉप्ट करता है, तो वो ही स्टार्ट्स एट होम एंड देन ही ब्रिंग्स इट टू ऑल ऑफ अस। एंड आई एम वेरी प्राउड टू हैव सच अ पर्सन लाइक विश्वास जी, विदाउट होम this thing would have never been possible, and he is such a sweetheart. He brings us tulsi plants, so we gifted him one today. Tell us about the trees and what you feel about the trees. We've been planting as, different varieties. We've been a little louder. So I've got a nursery here and we've been selling exotics for about 40 years now, but it's great that sir's taken up an initiative where he's promoting native trees. From the start when Javi sir ko हम लोग ऑफिस में मिले थे, he was very clear that हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं it has to do with the fallen trees. He didn't need, so when he asked that he could donate trees, I had clients who were willing to come. Like मुझे कुछ नहीं चाहिए, the trees that have fallen, in the spaces we have to restore the green cover, which was a great initiative. We thought it would have been 2 events, 4 events, but it's been a sustained campaign which is so commendable. Over the last month right now, every Tuesday, Thursday, Saturday, inevitably, whether it's been raining, we've been holding umbrellas and planting, whether it's like sunshine, we've been out.
it's hats off to sir. I mean, it's just been on and on. It's been relentless, and it's great to see this. Seher, what do you feel? You've been campaigning for the green, so. Firstly, the Adopt a Tree initiative is amazing because when you adopt something, you have ownership over something. And when you own something, you automatically want to go and take care of it. Jab tak aap adopt nahi karte, if it's a normal tree, you know, ek lagav ho jata hai when you adopt something. So now, that's how you play with the psychology and you get people on ground and to plant more trees by adopting them. And I think that it's a big initiative, like I mentioned. Thank you, Anusha ji, for getting us together. I just want to say one thing. It's a very famous saying that be the change you wish to see in the world. So agar aap chahte ho ki duniya mein achhi cheeze hoye, to aapko hi start karna padega pehle, na ki sirf baatein karna chahiye. And other than that, whoever's watching, it's very simple ke, you know, aap apne छोटे छोटे जो डेली में डेली लाइफ में जो चेंजेस आप अपने ज़िंदगी में कर सकते हैं टू हैव अ बेटर एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, तो आप प्लीज़ करिए. जैसे कि सबको पता है कि वॉक आप स्मॉल छोटे कम जगह जाना है तो वॉक करो, गाड़ी कम यूज़ करो, प्लांट मोर ट्रीज, रिसाइकल योर प्लास्टिक. देयर आर सो मेनी वेज जस्ट टू स्मॉल कॉन्शियस चेंजेस एंड इट्स द बेस्ट. एंड थैंक यू फॉर गेटिंग अस. सर प्लीज़, आपके बात के बिना तो अधूरा रहेगा सर. या 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 आई रियली थैंक यू सर दैट वी ऑल ऑफ नो भामला फाउंडेशन इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, सोशल एक्टिविटी, स्पेशली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी काफ़ी करते हैं. तो दिस इज मुझे ऐसा आज मुझे एक अलग फील हो गया कि ये जो कैंपेन का मोटिव जो था, एम था, वो कहीं सेटिस्फेक्शन लेवल पे जा रहा है. सिंस यंग्स आर कमिंग अप, बाकी तो रेसिडेंट्स तो आ ही रहे हैं. आज तो वही मैडम ने जैसे अनुषा मैडम बताया कि यहाँ के रेसिडेंट छोटे बच्चों को भी लेके आ रहे, तो नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं. व्हाट वी आर सेइंग ना, वो जनरेशन पासिंग जो है दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एकदम सिंपल सा है कि एक मिनट में अगर बताना है, अपने रिसोर्सेज को इतना यूटिलाइज करो जो अपने आने वाले जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज फुलफिल हो जाए. तो वही वो रेसिडेंट आज के अडॉप्टी मैडम वो वही कहना चाहती है शायद. तो ये जो अपना कैंपेन चल रहा है उसमें आपका भी, आप लोगों का सभी का बहुत बड़ा योगदान है. आप हमेशा आते हैं यहाँ पे, पूरा इसी मैसेज को सोसाइटी में लेके जाते हैं. इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. अलग तरह का इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने और बहुत मदद हो रही है. जब हम बोलते हैं लोग आए और पेड़ को अपना एक एक पेरेंट्स की तरह, एक माँ बाप की तरह, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में? सही में देखेंगे तो ये बहुत अच्छा झाड़ थे यहाँ पे तीन, और ये जब यहाँ पे चक्रीवादल साइक्लोन हुआ तभी ये झाड़ गिर गए थे, और ये झाड़ की जगह पे और झाड़ लगाना चाहिए, ऐसे हमारे सहायक आयुक्त की एक कल्पना थी. और उन्होंने ये लगाने के बाद, झाड़ तो हम लोग लगा देंगे लेकिन झाड़ लगाने के बाद उस झाड़ को देखरेख कौन करेगा? तो यहाँ के जो स्थानिक लोगों ने जो आगे आके काम करने की सोचा है, इसके लिए सही में उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करूँगी. और हमारे सहायक आयुक्त और माननीय कर्णिक साहब, इनका अभिनंदन करूँगी कि इनके कारण ही, इन्हीं के कारण आज यहाँ पे ये तीन झाड़ों की देखरेख के लिए हमें पालक मिले हैं, और ये पालक के द्वारा ये झाड़ों की देखरेख होगी और ये झाड़ बड़े होंगे. और अभी महानगर पालिका ने एक नया नियम निकाला है कि जो झाड़ हम लोग लगाएंगे वो ज़्यादा ऊंचा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा 15 फुट के हाइट में रहे, जिसके कारण वो टूटने से नुकसान भी ना हो किसी का, और उसके उसकी छाँव भी मिले और ग्रीनरी भी रहे. तो इस तरह से ये झाड़ लगाए गए, और ये झाड़ लगाने के लिए हमारे गार्डन डिपार्टमेंट की पूनम है, पल्लवी है, इनका और यहाँ के स्थानिक रहवासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि जिन्होंने ये पूरा कर दिया. विश्वास सर, आपसे पूछना चाहूँगा, यू स्टार्टेड विद सेलिब्रिटी, नाउ यू गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मुंबई, दैट इज मुंबई पुलिस, एंड दे आर विद यू. कोरोना के वक्त में सबसे फ्रंट पे खेलने वाले, लड़ने वाले यही दिग्गज रहे, हम सब सलाम करते हैं उनके. अब कार्निक सर को कैसे लेके आए, क्या वो रिएक्शन? नहीं सर का तो
सर को मैंने ये जो कंसेप्ट बताया ना, तो सर ने उसी टाइम में इतना अप्रिशिएट किया कि वी नीड टू फॉलो ऑल दिस कैंपेन लाइक विन पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो, हर एक पुलिस स्टेशन को भी हम ये ऐसा अपना टास्क दे सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक पार्टिसिपेशन बॉम्बे में मुंबई पुलिस हैं और बृहन मुंबई महानगर पालिका, इन दोनों की जब टीम वर्क होती है तो कोई भी चीज़ बहुत आसानी से और इम्प्लीमेंट भी हो सकती है और उसको रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो उसी बहाने से सर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मैं चाहता हूँ कि आपके प्रेजेंस में यहाँ पे प्लांटेशन करें। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि साइक्लोन होने के बाद राजुल ताई ने जो बताया कि बहुत सारे पेड़ गिर गए, तो पेड़ गिरने के बाद ये जो एनवायरनमेंट का इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो उसको हम कंपनसेट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि पेड़ तो काफ़ी बड़े थे 30 साल 35 साल 40 साल, तो तुरंत तो उतना कंपनसेट नहीं हो पाएगा। बट एक कर सकते हैं कि उसमें जहाँ पे पेड़ गिरे कम से कम उतने पेड़ तो लगाए। तो उसी कंसेप्ट को लेके अडॉप्ट अ वॉलंटरी पिट एंड बी अ कैंपियन ऑफ गार्डियंस ये शुरू हो गया। आज 1 जुलाई है, 29 मई को हमने हेमा मालिनी जी के मैडम के हाथ से शुरू किया था, उसमें इसी सभी कैंपेन में आप भी शामिल हैं। सबको मैसेज देने के लिए मेगा मेक अर्थ ग्रीन अगेन अनुषा मैडम है, वृक्ष नर्सरी के शान जी है, हमारी पूरी टीम है। इससे भी ज़्यादा आगे जाके हर एक टीम में हर एक बार जो नए ऐड होते हैं वो है अडॉप्टी, अडॉप्टी मैडम है आज यहाँ पे, मैं उनको सही में धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि काम तो हम करते रहेंगे बट 10 दिन या 15 दिन के बाद एक बार कभी आना हो जाएगा पर्टिकुलर पेड़ देखने के लिए। लेकिन सही मायने में जो कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नेंस जो बताया है, तो उसमें जब रेजिडेंट्स इन्वॉल्व हो जाते तो कभी भी ये स्कीम कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट होने में बहुत आसान हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि इसको बच्चे की तरह वो पालेंगे और उन्होंने सामने से आके उनका विलिंगनेस दिखाया, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अपने आज के चीफ गेस्ट यही अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री नज़दीक में है तो वो सभी उपस्थित है, कर्णिक साहब आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे एक मोटिवेशन मिलता है, पब्लिक में मैसेज जाता है और ऐसे और काम करने के लिए हमारे टीम वर्क और ज़्यादा मोटिवेट और एक्टिव हो जाएगी। इसमें हमेशा लोकल काउंसलर राजुल तही का भी सपोर्ट रहता है, इस एरिया के ये है तो आज यहाँ पे उनके हाथ से भी ये हुआ है। तो मैं चाहूँगा और भी ऐसे आइडेंटिफाई करके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ग्रीन जो सही मायने में करना चाहते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इसका एक छोटा सा हमारे कैपेसिटी में जो है इंटरवेंशन बोल सकते हैं, जो एनवायरमेंट को बचाए उसको ज़्यादा करे। धन्यवाद। ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बीएमसी को इसके लिए थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि ये जो ट्रीज़ है स्पेशली साइक्लोन में जो काफ़ी ट्रीज़ गिर गए थे तो ये भी हमारे सिटीज़न है और कहीं कहीं हम जहाँ रहते हैं तो हमारे दोस्त और फैमिली मेम्बर्स हो जाते हैं, क्योंकि विदाउट डैम आवर लाइफ इज़ इनकम्प्लीट। तो इन लोगों को जो उन लोगों को रीप्लांट करना तो काफ़ी जगह डिफ़िकल्ट है, बट लेकिन ये न्यू इनिशिएटिव्स से हमारे जो साइक्लोन में फ्रेंड्स का नुकसान हुआ है तो वो फ्रेंड्स और हमारे फेलो सिटीजन्स वापस आ जाएंगे। सो थैंक यू बीएमसी फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव, थैंक यू। आखिरी सवाल मोटे सर तुम्हारा विचार है वाला, संदीप सर के इस जवाब में मुझे अभिषेक बच्चन की याद आया, ही सेड दिस इज सिर्फ ड्यूटी एंड ही सेड दे आर सिटीजन, क्या कहना चाहेंगे? यस डेफिनेटली, अर्बन गवर्नेंस में जब हम काम करते हैं बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर तो ये जो सेंसिटिविटी है सेंसिबलनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पेड़ को भी एक सिटीज़न समझ सकें, हम सिविक ड्यूटी को लोगों को में इम्बाइब करके ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश करें। तो सर ने ये आज एक नया एस्पेक्ट दे दिया कि क्यों ना इनको हम सिटीज़न समझे, ऑफकोर्स समझना ही चाहिए और उसी लेवल पे हम काम करते रहेंगे, अश्योर देता हूँ सर हम काम करते रहेंगे। थैंक यू।
हाथ में लो क्या लो क्या निकिता जी।